के साथियों, ईमानदार प्रमाणिक लोग, आपको पता है कि 10 साल पहले जब मनमोहन सिंह हमारे सामने आता था, 2G स्कैम यानी कि हवा में से कोयला का घोटाला, पाताल में से भी पैसा खाते हैं, और परमाणी जैसे लोग खेल कूद में भी पैसा खाता, एक नया घोटाला, और घोटाला भी करोड़ों में अब्जों में, एक 2G स्कैम में बताते हैं तो जो फिगर होता था तो हमको लिखने में भी तकलीफ होती थी कि इसके पीछे कितने जीरो आते हैं, कितने बड़े बड़े घोटाले ये कांग्रेस की सरकार में होते थे पिछले 10 साल में। मैं दावे के साथ कहता हूं कि नरेंद्र मोदी के ऊपर, नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर हमारे विरोधियों ने भी एक आक्षेप नहीं किया है। दिल्ली की गलियारों से घोटाला बंद हुआ है, दलाल बिचौलिया ये पूरा उसका शासन समाप्त हुआ है, और ईमानदार और प्रमाणिक शासन भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। हमने स्लोगन दिया था कि अयोध्या में राम, महंगाई पे लगाम, हटा दो भ्रष्टाचार में बदनाम। मैं चेक करता हूँ, काफ़ी विरोध भी है, छुपक मुटक विरोध कहीं कहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि पंजाब के किसान बहुत समझदार है, पंजाब के किसान देशभक्त है, पंजाब के किसान देश के हित में कमल का एक बटन दबाएगा, और इस बार तीन दिन में किसानों ने भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल की। जैसे कि जहाँ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, तो बीजेपी इतनी देर की सरकार है, नेशनल पार्टी है, वो अभी तक पंजाब में सर्वाइव क्यों नहीं कर सकती? देखिए, अब तक बीजेपी पंजाब की सफिशिएंट नहीं है,
हम अकाली के साथ लड़ते थे। अकाली बड़े भाई थे, 10 लोकसभा सीट वो लड़ते थे, 3 हम लड़ते थे, हम छोटे भाई थे, इसलिए पूरे पंजाब में हम गए ही नहीं, हम लिमिटेड रहे। इस बार पहली बार हम 13 सीट लड़ रहे हैं, तो अब हमारा बेस बढ़ रहा है, आने वाले 27 के चुनाव में भाजपा की सरकार बनेगी। सर, जैसे अमृतपाल सिंह है, जिस पर पंजाब सरकार की सिफारिश पर इंडिया सरकार ने, केंद्र सरकार ने NSA लगाया है, और सर जो तो बोल रहे हैं कि अमृतपाल को जो जमानत नहीं दी जा रही एफिडेविट बयान कर देता है, और केजरीवाल ने जो पकड़ा किया है शराब पकड़ा, उसमें उनको जल्दी जमानत मिलेगी, कहीं ना कहीं सिखों के साथ विकृत नहीं हो रहा। देखिए देखिए, इसमें कोई धर्म जाति के सवाल नहीं, ये सब लीगल प्रक्रिया है। जैसे केजरीवाल जी अंदर गए, केजरीवाल को सिर्फ 20 दिन के लिए जमानत मिली, फिर वापस जेल में जाना है, ये सारा फैसला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करती है, उसमें सरकार सर जैसे पूछने का मेडिकल कॉलेज का मसला है सर, काफ़ी देर से बड़ा भी तक सर बना नहीं, क्योंकि हम भी मानते हैं कि यहाँ जो कांग्रेस के MP है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसने किसी को कुछ नहीं किया है, इसलिए यहाँ रोष है, जनता काफ़ी दुखी है, त्रस्त है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को थैंक यू।